दोस्तों, जब हम बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल वाउचर की एंट्री करते हैं और एंट्री करते वक्त हमारे पास एक ऑप्शन आता है सेल वाउचर में सेल टाइप का, और उस सेल टाइप के ऑप्शन के आगे उसके काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस ऑप्शन में से हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, कौन से इनवॉइस के साथ हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना होता है, तो ये सारी बातें आज हम वीडियो में प्रैक्टिकली सीखेंगे। हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल के लिए ये वाउचर भी हैं। अगर जैसे कि हमारे पास एक नंबर वाउचर है जिसके अंदर हमारे पास मल्टी टैक्स लगा हुआ है, यानी कि जीएसटी 18% के भी प्रोडक्ट है और जीएसटी 12% के भी प्रोडक्ट हैं, तो उस कंडीशन में हम इस सेल टाइप में से कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में जैसा सेकंड इनवॉइस हमारे पास है उसके अंदर केवल सिंगल आइटम है जो कि एक ही जीएसटी 18% का प्रोडक्ट है, तो उस कंडीशन में हमें इस सेल टाइप में से कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। और एक ऑप्शन तीसरा जो वाउचर हमारे पास है वो है आउट ऑफ स्टेट का, जिसके अंदर आईजीएसटी का टैक्स है जो लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस सभी इनवॉइस को हम बीजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली एंट्री सभी की करके देखेंगे हम, और उसकी एंट्री करते वक्त हम ये सारी बातें सीखेंगे कि हमें कौन से इनवॉइस के साथ हमें सेल टाइप में से कौन से इनवॉइस को सेलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो सारा ही प्रैक्टिकली रहने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहन सुथार, और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, बिजी सॉफ्टवेयर में वाउचर की एंट्री करने से पहले हम उन सभी सेल टाइप के ऑप्शन को देख लेते हैं भी ये सेल टाइप के ऑप्शन क्रिएट कहाँ से किए जाते हैं। हालांकि ये बिजी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी क्रिएट किए होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए हम बिजी सेक्टर के जो हमारे मेन्यू हमको दिखाई दे रहे हैं उसमें हम पर जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पर, एंटरप्रेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर पर, उसके बाद हम मास्टर पर जाएंगे, और मास्टर पर जाने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा सेल टाइप का। हम इस सेल टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके हम लिस्ट को ओपन कर लेंगे जो ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसमें आप देख रहे हो कुछ आई लगा हुआ है, आई का मतलब आईजीएसटी इंटरस्टेट सेल के लिए। तो इसमें जीएसटी 12% का, 18% का, 28 का, 5 का, एग्जम्प्ट का, या फिर आईजीएसटी एक्सपोर्ट टैक्सेबल, आईजीएसटी एक्सपोर्ट जीरो रेटेड, आईजीएसटी आइटम वाइज मल्टी रेट, निल रेटेड, टैक्स इंक्लूड जीरो रेटेड। तो ये सारे के सारे हमारे आउट ऑफ स्टेट के लिए, यानी कि आईजीएसटी सेल के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। और ये सेम सभी के सभी जो ट्रांजैक्शन है हम ये हमारी लोकल के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें हमारे लोकल राजस्थान के अंदर ही हमें सेल करना हो हमारे विद इन स्टेट के ट्रांजैक्शन के लिए। तो अभी यहाँ पर देख रहे हो इनकी जो शॉर्ट नाम दिया हुआ है आई का मतलब इंटरस्टेट सेल के लिए, और एल का मतलब लोकल की सेल के लिए। तो ये बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, हम किसी एक पर इंटरप्रेस करके देखते हैं। तो जैसा कि हमने आईजीएसटी 12% को ओपन किया है, तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग करी हुई है, जो हमारी सेटिस्फाई है सिंगल अकाउंट है सेल के लिए, यानी कि हम इसको सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टैक्सेशन टाइप हम इसको टैक्सेबल, वाउचर वाइज के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में कुछ टैक्स की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर ये सिंगल टैक्स रेट है, जीएसटी इसका 12% है, आईजीएसटी रेट जो रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मॉडिफाई सेल टाइप मास्टर में हम कर सकते हैं। हम इसको क्विट करेंगे और इसी तरीके से हम एक लोकल की सेल टाइप को देख सकते हैं। तो दोनों में सेम इसकी जो कहानी है वो सेम है, लोकल है जो इसकी सेफिसब हेयर में भी सिंगल अकाउंट सेल के लिए है, टैक्सेबल में भी ये वाउचर वाइज है। और इसमें हम देख सकते हैं तो यहाँ पर इसकी जो ट्रांजैक्शन है टैक्स कैलकुलेशन की, वो सिंगल टैक्स रेट है, और जिसके अंदर 12% वाली में 6% सीजीएसटी रेट और 6% एसजीएसटी टैक्स का रेट लगा हुआ है। और अब हम चलते हैं इनकी एंट्री करते वक्त इनमें कौन सा वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ट्रांजैक्शन पर जाएंगे, सेल वाउचर पर जाएंगे, ऐड हम करेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर वाउचर नंबर एक को ओपन करेंगे। अब एक नंबर जो इनवॉइस हमारा राम एंड कंपनी का है, और उसके बाद में वाउचर टाइप, अब वाउचर टाइप एक नंबर इनवॉइस है। अब बारी आती है सेल टाइप, अब इस इनवॉइस के लिए कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इनवॉइस को देख लेते हैं, एक नंबर इनवॉइस को। तो आप देख रहे हो इसमें सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स लगा हुआ है, तो अब ये जैसी बात है ये हमारी लोकल की सेल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोकल सेलेक्ट करेंगे एल, अब L दबाएंगे तो L के बाद आप देख रहे हो सारी वो लिस्ट हमारे सामने आ गई जो अभी हमने स्क्रीन पर पहले देखी थी सेल टाइप में जाके। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देख रहे हो जीएसटी 12, 18, 28, 5 एग्जाम आइटम वाइज मल्टी रेट, उसके बाद में काफ़ी सारे ऑप्शन भी हमें दिखाई देंगे। तो अब हम देखते हैं इनवॉइस को,
अब इनवॉइस में आप देख रहे हो, इस इनवॉइस में हमारे पास ये मल्टी टैक्स रेट की स्टॉक आइटम है, यानी कि एक आइटम ऐसी है जिस पे जीएसटी 18% है और दो आइटम ऐसी है जिसके ऊपर जीएसटी 12% की है। यानी कि ऐसा कोई भी इनवॉइस जिसके ऊपर दो या दो से ज्यादा मल्टी टाइप के टैक्स रेट के प्रोडक्ट हो तो हम उसे मल्टी टैक्स जीएसटी टैक्स रेट का इनवॉइस बोल सकते हैं। तो अगर इस टाइप का इनवॉइस आकर आपको मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ऊपर के जो चारों ऑप्शन है इनको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आपको मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए हमने इनवॉइस हमारे पास ये मल्टी टैक्स रेट का और आपने यहाँ पर जीएसटी 18% को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में जो कस्टमर रामेंट कंपनी है, और उसके बाद में आइटम चलते हैं। अब आइटम ए, हम आइटम हमने क्रिएट कर लिया आइटम ए। अब इसकी जो आइटम है क्वांटिटीज की 5 है और इसका जो अमाउंट है टैक्सेबल अमाउंट वो 6,038.14 रुपये, और इस तरीके से आइटम बी है इसका क्वांटिटी है 12 पीस और इसका जो रेट है वो है 21,214.29, और आइटम सी इसका क्वांटिटी 8 है और इसका जो रेट है 15,357.14 रुपये। तो अब देख रहे हो यहाँ पर इसका जो टैक्सेबल अमाउंट जो बना है वो 42,609.57 रुपये बन गया, और जो कि हमारे इनवॉइस में जो लगा हुआ है वो भी 42,609.56 रुपये है। अब बात आएगी भी इसके टैक्स की, भी इसके ऊपर टैक्स कितना लगना चाहिए। तो अब टैक्स अब 12% का अलग लगना चाहिए, 18% का अलग लगना चाहिए, क्योंकि बी और जो सी आइटम है वो आप देख रहे हो दोनों के दोनों 12% में, और ए जो प्रोडक्ट है वो जीएसटी 18% का है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो टैक्स है वो टैक्स अब लगेगा यहाँ पे बिल सेंडरी में आके, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सीजीएसटी को। तो जैसे हमने सीजीएसटी को सिलेक्ट कर लिया तो अब उसके बाद आप देख रहे हो इसका जो टैक्स है वो 9% का, वो 3834 रुपये और 3834 रुपये और 86 पैसे। तो यानी कि अब ये जो अमाउंट है ये हमारी इस टैक्स के साथ मैच नहीं कर रही। अब क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अब ये इसका टोटल इनवॉइस आप देख रहे हो जो 48,085 रुपये का है, और यहाँ पर बीजी सॉफ्टवेयर ने जो बनाया है वो 50,279.29 रुपये का बनाया है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अब ये जो टैक्स लगा दिया यहाँ पे वो इसने 42,609 रुपये के ऊपर पूरा का पूरा टैक्स 18% का ही लगा दिया, यानी कि जबकि ये लगना चाहिए था भी सीजीएसटी 9% भी होना चाहिए था, और सीजीएसटी 6%, फिर एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9%, तो यानी कि हाफ हाफ होना चाहिए था, लेकिन इसने सभी अमाउंट के ऊपर जीएसटी 18% का ही टैक्स लगा दिया। जबकि बी और सी आइटम जो हमारी है, हम इसको मॉडिफाई करके देखते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसका जो टैक्स रेट है वो 12% का है आइटम बी का, और इस तरीके से आइटम सी का अगर हम देखें तो आइटम सी का भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो जीएसटी रेट है वो 12% है। तो यानी कि अब इसने इसकी कैटेगरी के अंदर हम यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं मल्टी टैक्स रेट के लिए, तो उसके लिए हम चूज कर सकते हैं यह तो आप लोकल जीएसटी आइटम वाइज या फिर मल्टी रेट, दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं अगर मल्टी टैक्स की इन्वेंट्री करने के लिए। हम इसको वापस स्केप करते हैं, इनवॉइस को वापस सेल वाउचर पे आते हैं। तो वाउचर की डेट हम 5/8/2021 और वाउचर का जो नंबर है 1। अब इसमें से हम सेलेक्ट कर देते हैं लोकल सेल और आइटम वाइज। अब आइटम वाइज और मल्टी रेट में क्या डिफरेंस है इसको हम समझते हैं, राम एंड कंपनी और उसके बाद में आइटम ए। अब आइटम ए यानी कि 5 पीस है और इसका जो टैक्सेबल रेट है वो 1,207.63 रुपये है। इंटरप्रेस करेंगे तो अब उसके बाद आपको ये दिखाएगा भी इसकी जो फाइनल अमाउंट जो बनेगी, यानी कि 6,038 रुपये तो इसकी टैक्सेबल अमाउंट बन रही है, 543 रुपये और 43 पैसे इसका सीजीएसटी टैक्स, और 543 रुपये 43 पैसे इसका एसजीटी टैक्स है। यानी कि टोटल फाइनल अमाउंट जो बनेगी इस स्टॉक आइटम की वो 7125 रुपये बनेगी। तो हम इसको राउंड ऑफ 7125 पूरा यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ इसको 7125 ओके करेंगे। उसके बाद में जैसा कि हमारे पास आइटम बी है, आइटम बी को हम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी इसकी 12 पीस है और इसका जो टैक्सेबल रेट है वो 1,767.86 रुपये है। एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे देख रहे हो ये कह रहा है आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी वो 21,214.32 रुपये बनेगी, और जो फाइनल अमाउंट बनेगी सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगने के बाद में तो वो 23,760 रुपये बनेगी। हम इसको 4 पैसे को राउंड ऑफ यहीं पे कर सकते हैं, तो 23,760 रुपये। और उसके बाद में आइटम सी जो क्वांटिटी है इसकी 8 पीस और इसका जो टैक्सेबल रेट है वो 1919.64।
एंटरप्राइज करेंगे, अब ये कह रहा है आपकी जो फाइनल अमाउंट बनेगी इस स्टॉक आइटम की वो 17,200 रुपये बनेगी, तो हम इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं 17,200। तो अभी आप देख रहे हो इसका जो टोटल वैल्यू है 48,085 रुपये, और यहाँ पर भी 48,085 रुपये इसका टोटल वैल्यू बन चुकी है। और इसकी समरी है जो यहाँ पर टोटल क्रिएट होगी है भी, आपका 9% का टैक्सेबल वैल्यू इतना है और 12% का टैक्सेबल वैल्यू इतना है, जिसपे टैक्स इतना लगा हुआ है। अगर हम टैक्स अगर मैच करें इन्वॉइस के साथ में, तो आप देख रहे हो 2,737 रुपये और 72 पैसे एक साइड का टैक्स है, तो यहाँ पर भी आप 2,737 रुपये 72 पैसे। यानी कि अभी हमने यहाँ पर जो सेल टाइप को जो सेलेक्ट किया हुआ था वो लोकल आई जो मतलब जीएसटी है वो आइटमाइज किया गया था। इसके अंदर क्या हो गया, अभी जो मतलब आइटम है वो आइटम के अंदर जो टैक्स है वो इंक्लूड है इस फाइनल अमाउंट के अंदर। जो हमने यहाँ पर इंटरप्रेस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आती है, हम फाइनल अमाउंट यहीं चेंज कर देंगे, तो यानी कि यहाँ पर हमें फाइनल अमाउंट ही शो करेगी और इसकी जो डिटेल है वो सारी आपको यहाँ पर शो कर देगा। अब उसके बाद में हम अगर इस इनवॉइस को हम भी सेव यहाँ पर भी नहीं करें, सेव करना चाहते हम सीधा सेव कर सकते हैं इसको, इसको सेव कर देंगे, प्रिंट हमें नहीं करना। अब मान लीजिए इसी इनवॉइस को अगर हम दोबारा लेते हैं तो ये नहीं लेगा, इसको हम डबल कर देते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर इसको मल्टी रेट, सेम इनवॉइस हम दोबारा पोस्ट करेंगे रामेंट कंपनी को। अब उसमें क्या होगा, मल्टी रेट के अंदर आइटम ए 5 पीस और इसका जो टैक्सेबल रेट हमें यहाँ पर देना पड़ेगा 6,038 रुपये 14 पैसे। तो अभी यहाँ पर देख रहे हो इसका जो टैक्स है यहाँ पर नहीं लग रहा। अब इसका टैक्स कहाँ लगेगा, वो हम इसका इनवॉइस को पूरा हम कर लेते हैं। 12 पीस है और इसकी वैल्यू 21,214 रुपये 29 पैसे है। आइटम सी है, क्वांटिटी 8 है और इसकी जो वैल्यू है 15,357 रुपये और 14 पैसे। तो अभी यहाँ पर देख रहे हो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 42,609 रुपये और 56 पैसे और 57 पैसे 29। अब उसके बाद में अब इसका जो टैक्स लगेगा वो हम इसको बिल सेंडरी में यहाँ पर लगाएंगे। तो आइटम वाइज के अंदर तो हमारा समरी यहाँ पर क्रिएट हो चुका था, अब हमें यहाँ पर टैक्स लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम वापस आएंगे बिल सेंडरी में टैब बटन के साथ में, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सीजीएसटी को। तो जैसे हम सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर सीजीएसटी का एक टैक्स रेट देना पड़ेगा, अभी कितने परसेंट का टैक्स आप पहले लगा रहे हो। अब मान लीजिए हमारे पास एक आइटम 18% के, तो हम सीजीएसटी 9% सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद देख रहे हो एसजीएसटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में हम सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे 6% को, तो उसके बाद में एसजीएसटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसके बाद में आप देखो अब ये समरी यहाँ पर ऑटोमेटिक है जो क्रिएट होगी, यानी कि अब ये आइटम वाइज में तो क्या हो जाएगा, हमारी जो टैक्स रेट है वो इसमें आइटम में इंक्लूड हो जाएगा। मल्टी रेट में क्या हो जाएगा, टैक्स हमें अलग से शो करना पड़ेगा। और इसके साथ ही आपकी जो वैल्यू है वो 48,085 रुपये और 1 पैसा, यानी कि अब 1 पैसा हम यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। इस वाउचर को भी हम यहाँ पर सेव कर देंगे। अब बात आती है हमारे पास इन्वॉइस नंबर सेकंड की। अभी सेकंड इन्वॉइस में क्या हुआ, एक ही टाइप की हमारे पास टैक्स रेट की सेल है। अब ये आइटम एक भी हो सकती है, आइटम आपके पास 20 भी हो सकती है, लेकिन टैक्स है जो सभी पे 18% का सेम है लगा हुआ है। तो उस स्थिति हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल टाइप में आके जो वाउचर नंबर है हमारा 2 रहेगा। अब यहाँ पर हम लोकल, अब चाहे तो हम 18% भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है 18% वाला, और हम यहाँ पर चाहें तो लोकल के अंदर हम इसको आइटम वाइज भी कर सकते हैं और मल्टी रेट भी कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब तीनों ऑप्शन के लिए हम ओपन हैं, क्योंकि इसमें मल्टी टैक्स रेट है जो नहीं लगा हुआ है। हम 18% पर यहाँ पर करेंगे, रामेंट कंपनी को सेल किया है, आइटम ए है और उसके बाद में क्वान्टिटीज़ की 2 है और इसकी जो वैल्यू 2,610 रुपये और 17 पैसे है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे हो सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ऑटोमेटिक ही ले लिया और ये 3,080 रुपये का इनवॉइस बन गया। अगर सेम ऑप्शन हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं लोकल आइटम वाइज, इसको अगर हम यहाँ पर करते हैं, और इसके अंदर एक ऑप्शन आपको और भी मिलेगा भी लोकल टैक्स इंक्लूड का, जीएसटी लोकल टैक्स इंक्लूड, तो इंक्लूड का अगर हम करेंगे तो जो आइटम वाइज और इंक्लूड है दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम ही है। इंक्लूड भी अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इंक्लूड भी हम यहाँ पर सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा भी इस अमाउंट के अंदर टैक्स इंक्लूड है क्या, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है भी फाइनल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ये जो 2,610 रुपये है ये आपकी फाइनल अमाउंट को शो कर रहा है, और जबकि हमारी ये फाइनल अमाउंट नहीं है, फाइनल अमाउंट 3,080 रुपये है। तो हम यहाँ पर 3,080 रुपये अगर हम करते हैं तो ये चीज़ दिखाएगा, फिर यहाँ पर ये हमें जो टैक्स है वो डिलीट करने पड़ेंगे। तो ये टैक्स की समरी आपकी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद में एक है तो हम यहां पर इसको जो सेल टाइप है इसको हम यहां से
सेलेक्ट करेंगे लोकल, और 18% तो हम कर ही सकते हैं अभी इसके अंदर आइटम वाइज या फिर मल्टी रेट, दोनों में से तीनों में से हम किसी को सेलेक्ट करते हैं, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है लोकल जीएसटी टैक्स इंक्लूड, तो ये इंक्लूड को भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी ये जो नील रेटेड है, अगर आपके पास सारी स्टॉक आइटम एग्जम्प्ट की है तो अभी आप लोकल एग्जम्प्ट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी कंडीशन में आप यहाँ पर मल्टी रेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, आइटम वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो और टैक्स इंक्लूड वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास कंडीशन तब आप वहां पर आपके पाबंद हो जाओगे जब आपके इनवॉइस के अंदर मल्टी टैक्स टाइप की स्टॉक आइटम लगी हुई है। तो इस तरीके से इनवॉइस नंबर जो 3 हमारे पास है वो है आउट ऑफ स्टेट का। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको स्वेल पर जाएंगे, इनवॉइस नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे। अब ये है आउट ऑफ स्टेट के लिए आईजीएसटी का, लेकिन आईजीएसटी भी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है 18% वाला। तो ऐसी स्थिति में हम आईजीएसटी को 18% भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर उसके बाद में आईजीएसटी हम आइटम वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी रेट कर सकते हैं, या फिर आईजीएसटी टैक्स इंक्लूड भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए अब हम यहाँ पर ओपन है, 18% सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में हम एबीसी इंटरप्राइजेज को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में आइटम ए है हमारे पास, और उसके बाद में क्वांटिटी 2, और इसका जो टैक्सेबल रेट 1271.19। ओके, उसके बाद में हम टैब के ऊपर और यहाँ पर हम आईजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे आप देख रहे हो इसकी जो वैल्यू है वो 3000 रुपये बन गई है, और इस इनवॉइस की जो वैल्यू है वो भी 3000 रुपये ही है। तो इस तरीके से हम इसको आईजीएसटी कर सकते हैं, या अगर हम इसको मल्टी टैक्स रेट टाइप करेंगे, इस कैंसिल करते हैं, वापस आते हैं 3 नंबर वाइज, और हम इसको आईजीएसटी यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे टैक्स इंक्लूड में, इंक्लूड में कर सकते हैं, या फिर हम इसको मल्टी रेट में कर सकते हैं, या फिर आइटम वाइज में कर सकते हैं। मान लीजिए हमने आइटम वाइज को सिलेक्ट किया, एबीसी ट्रेडिंग सिलेक्ट किया, आइटम ए सिलेक्ट की, क्वांटिटीज की 2 है, और इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 1271.19 है। इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछ लेगा भी इसकी जो फाइनल अमाउंट है वो 3000 रुपये बनेगी। तो आप इसको राउंड फिगर में 3000 रुपये पूरा यहाँ से मैनुअल भी लिख सकते हो। तो यहाँ से डिटेल आपकी सारी समरी है जो तैयार हो जाएगी, 18% का प्रोडक्ट है, टैक्सेबल अमाउंट इतनी है, और इसकी आईजीएसटी की अमाउंट इतनी की है। तो इस प्रकार हम दोस्तों इस सेल टाइप के ऑप्शन को अलग अलग हम टाइप से इनवॉइस के अकॉर्डिंग ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जितने ऑप्शन हमें आईजीएसटी के मिलेंगे उतने ही हमें लोकल सेल के भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना, और वीडियो कैसी लगी आप हमें ये कमेंट करके भी जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।